उद्देश्य भवन में एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें लगभग 5000 से ज्यादा राजद के कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री राजद नेता अली अशरफ फातमी ने कहा कि मधुबनी से सीट कटने के पीछे अपने ही लोगों का हाथ है। उन्होंने अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम लेते हुए कहा कि वो मधुबनी से चुनाव लड़े और मैं दरभंगा से चुनाव लड़ूंगा। मेरी अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने मुझे एक दिन कहा कि वापसी साहब हम भी तो चुनाव लगातार हार गए, आप भी दरभंगा से लगातार दो चुनाव हार गए, क्या बेहतर होता कि आप मधुबनी चले जाते और मैं दरभंगा आ जाऊं। मैंने कहा मुझे कोई इतराज नहीं है, लालू जी से बात कर लीजिए। मैं खास तौर से बंबई गया और लालू जी को अवगत कराया कि सिद्दीकी साहब ऐसा चाहते हैं। फिर मुझसे कहा गया कि आप तेजस्वी को भी बताएं। मैं मुखियारी जाकर के रैली की आधा घंटा बैठ कर उनको बता दिया कि सिद्दीकी साहब ऐसा चाहते हैं। अब मुझे नहीं मालूम सिद्दीकी साहब से क्या बात की, लेकिन मुझे मालूम हुआ कि सिद्दीकी साहब भी लालू जी से शायद बोले कि फातमी साहब मधुबनी जाना चाहते हैं, मैं दरभंगा से लड़ना चाहता हूं। आज दरभंगा का टिकट तो मिल गया, लेकिन मधुबनी का टिकट सस्पेंडेड है, कहीं पर अटक रहा है। लालू प्रसाद जी जेल में है तो आप लोगों के दिमाग में होगा कि उनको तिवारी जी ने जेल में भिजवा दिया, नीतीश कुमार जी ने जेल में भिजवा दिया, बहुत सारे नाम हैं आपके सामने। मैं गवाह हूं अली अशरफ फातमी, उनको जिस वजह से वो आज जेल में है, आज राष्ट्रीय जनता दल का टिकट उनको भी मिला। याद करो 96 में किसकी सरकार थी, आप लोग बहुत तो जानते भी नहीं होंगे, लेकिन उस रात पार्टी को किसने तोड़ा था? किसने लालू यादव को जेल भिजवाया? आज उसको भी मिले अली अशरफ फातमी को जेल नहीं गए। बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और दरभंगा लोकसभा के राजद प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर ने यह जानकारी दी कि 5 अप्रैल को वो लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन करेंगे। प्रत्याशी से हम लोग पूछ लेते हैं, बनाइए 5 अप्रैल को राजद गठबंधन उम्मीदवार के रूप में मेरा नामांकन होना है। माननीय देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री राम विलास पासवान जी ने जो मुझे यहाँ प्रत्याशी बना करके भेजे हैं, तो मेरा नामांकन 5 अप्रैल को होना है विश्वविद्यालय परिसर से, मनोकामना मंदिर के पास से। मेरा वहां से विजय जुलूस के रूप में दरभंगा टावर होते हुए मिर्जापुर मेडिकल मैदान कर्पूरी चौक पर एक बहुत बड़ा सभा होने जा रहा है, जिसमें परम आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं, उनका संबोधन वहां होगा, और बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुशील कुमार मोदी जी, भारत सरकार के मंत्री परम आदरणीय श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, श्री गिरिराज सिंह जी, और यहां के बिहार सरकार के मंत्री श्री नंद किशोर यादव जी, श्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी, श्री मदन सहनी जी, श्री महेश्वर हजारी जी, अनेकों बिहार सरकार के मंत्री
और भारत सरकार के मंत्री मेरे नामांकन में शिरकत करने जा रहे हैं। ऐतिहासिक जनसभा होने जा रहा है दरभंगा मिथिला के इस केंद्र पर, और लग रहा है जो क्या इस नामांकन में जो जिले से आ रहे हैं लोग, हिंदू मुस्लिम अति पिछड़ा पिछड़ा दलित महादलित हर वर्ग के लोग आशीर्वाद देने आ रहे हैं। जहां एक तरफ बूथ स्तर के कार्यकर्ता आ रहे हैं, वहीं बिहार प्रदेश और केंद्रीय नेताओं के द्वारा जो मुझे आशीर्वाद देने का उस दिन हो रहा है व्यवस्था, यहां पर अद्भुत है, ऐतिहासिक है। और हमको लगता है जो इस संपूर्ण मिथिला में सभी के सभी सीट तो जीत ही रहे हैं हम लोग, और बिहार के 40 में 40 सीट जीतकर पुनः दोबारा 2019 में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे। कांग्रेस के घोषणा पर तेजस्वी यादव ने बयान दिया और कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है, हम मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई कैसे खत्म करें और देश कैसे तरक्की करें, इस मुद्दों पर बात कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वह इस तरह की बातें करते हैं। हॉर्न बज गया था नहीं भाई? ज्यादा आगे मत जा भाई, चलिए सर। कांग्रेस के घोषणा पत्र पे क्या कहेंगे तेजस्वी जी? बीजेपी ने राष्ट्रद्रोह बता दिया है उसको। आप देखिए माइक लगा के, इस पे हमको कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। हम लोग जो है मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, रोजगार पे बात करना चाहते हैं, संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, गरीबी मिटाने की बात कर रहे हैं, किसानों का हित कैसे हो इसकी बात कर रहे हैं, देश हमारा तरक्की कैसे करे इसकी बात कर रहे हैं। ये बीजेपी के लोग वो के पास कोई जवाब है नहीं इसका, तो इस तरह की प्रकार की बातें वो लोग करते रहेंगे, तो इस पर ज़्यादा कुछ हमको दिखाई नहीं देना। वैशाली संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय मैदान में उतरने की घोषणा करते हुए रत्नेश्वर कुमार ने कहा कि नाम के लिए तो बड़े बड़े नेता हुए, लेकिन जनता का सिर्फ शोषण हुआ, इसलिए वो वीडियो पद से इस्तीफा देकर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। मेरी दो ही पोस्टिंग हुई मोतीपुर भोपाल, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड मेरा नहीं है कहीं से पीछे। इन दोनों में कहां आप, मैं कैंडिडेट के बीच में क्यों? मैं तो एग्जाम दिया तो क्या सोचा था कितने लोग अपियर हो रहे हैं? आई हैव नेवर थॉट दिस, 4 लाख अपियर हो रहे हैं कि 5 लाख अपियर हो रहे हैं। मैं तो गाँव कुछ ये नहीं सोचा जाता, मुझे कैंडिडेट की चिंता ही नहीं है। आप ये जान लीजिए कि कैंडिडेट का फाइनल होने के बाद मैंने रिजाइन दिया है, इट इज अप टू यू हाउ मच यू एनालाइज इट। दोनों कैंडिडेट फाइनल होने के बाद मैं आया हूँ, कारण मुझे लगा था विकास दोनों से नहीं हो सकता। परिवार वाले विरोध कर रहे होंगे, काम फंस रहे हैं, अधिकारी थे। मेरा परिवार भी उतना ही त्यागी जितना मैं हूँ, मैं तो साधु का जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हूँ। कोई कोई नहीं, सबकी रजामंदी है। जब परिवार साथ नहीं होगा संघर्ष में तो कौन साथ देगा? आज परिवार भी साथ है, वैशाली की जनता भी साथ है, युवा भी साथ है, और सारे सरकारी कर्मी जो घुटन फील कर रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं अपने दफ्तर में, वो मेरे साथ है। उस समय जो तुलसी राय का नाम आया था कि आपके दफ्तर में बैठे हुए हैं, जब वाकया है जो सेल में बता सकते हैं? वो जिला परिषद पति है, पंचायत समिति हमसे मिलने आया था उसकी। बीजेपी के पूर्व विधायक सुनील कुमार पिंटू जदयू ज्वाइन करने के लिए पार्टी कार्यालय पहुंचे। वो पार्टी ज्वाइन करने से पहले ही पार्टी के चुनाव निशान और पट्टी पहन के कार्यालय आए। जदयू के कार्यालय पहुंचने पर उन्होंने कहा कि उन्हें फोन आया था और वो यहां चले आए। जब तक अभी मुझे भी नहीं बतला दिया जाता तब तक मैं भी कैसे कहूँ, परंतु आपके बधाई को मैं भी बधाई कह रहा हूँ। शायद आपके बात से अंदर जाओ तो कुछ मिले, मुझे तो बुलाया गया सीधे, मैं पहुंच रहा हूं। सुनील जी, बीजेपी छोड़ के आज आप जेडीयू का झंडा टांगे? कल भी बीजेपी भी एनडीए है और आप जेडीयू भी एनडीए है, दोनों एनडीए है, कोई एनडीए से बाहर नहीं है। सुनील जी, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से छोड़ के आप बहुत दिन तक नहीं, जेडीयू का हमने पार्टी में ज्वाइन करने से पहले ही पहले से आपने पहन लिया है, पहले से पार्टी का सिंबल आपने ले लिया है, और अभी इस कार्यालय में है और एनडीए है। एनडीए में अगर हम लोग अभी जाएंगे लोगों से सभी 400 सीट पर मत मांगने, तो वहाँ तो गले में स्वाभाविक बात है कि एनडीए का पट्टा होगा ही। आप एनडीए के नेता जरूर हैं, लेकिन पार्टी कौन सी होगी एनडीए की? एनडीए की पार्टी कौन सी होगी आपकी?
अरे सीतामढ़ी की लड़ाई कोई लड़ाई नहीं है, एनडीए एकदम जीतेगी वहाँ। सुनील जी, एनडीए जीतेगी कि सुनील कुमार पिंटू भी जीतेंगे? एनडीए जीतेगी। जेडीयू उम्मीदवार? एनडीए जीतेगी सर। जेडीयू उम्मीदवार सुनील कुमार पिंटू होंगे? जेडीयू उम्मीदवार सुनील कुमार पिंटू होंगे? ये वरुण कुमार के साथ ऐसा क्या हो गया, क्या विरोध की बात थी? मेरे जानकारी में कुछ नहीं है इस बात को, मुझे सिर्फ फोन गया, मैं अभी आया। आपका फोन? आप बीजेपी छोड़कर आज जेडी में ज्वाइन की है, क्या मतलब? क्यों, क्या मुंह भंग हो गया था बीजेपी से? नहीं नहीं, कोई मुंह भंग नहीं भाई, एनडीए में ही हम लोग हैं भाई, कहाँ मुंह भंग वाले वाली बात है। फोन किनका है? एनडीए का पार्ट है। तो आप सीएम से मुलाकात करके आ रहे हैं उनके पास? नहीं नहीं, साहब तो वहाँ का तो फोन आपको क्या आया कि सीधा 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 पहन लिया पैसे? हाँ, बिना इंडियन रेलवे फेडरेशन के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के बाद पहली बार दरभंगा आगमन पर संतोष पासवान को दरभंगा जंक्शन पर ECREU दरभंगा शाखा सचिव सह समस्तीपुर के मंडल संयुक्त सचिव संजीव कुमार मिश्रा के नेतृत्व में दर्जनों रेल कर्मचारियों एवं राज्य कर्मचारियों ने दरभंगा पहुँचते ही फूल मालाओं एवं नारेबाजी के साथ उनका स्वागत किया। LLMU के अंग्रेजी विभाग के द्वितीय सत्र के ग्रुप बी के छात्रों द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय बेला शंकर कन्या के प्रांगण में जाकर बच्चों के बीच जल संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा, अनुशासन एवं मतदान संबंधित विषयों पर चर्चा कर जागरूक करने का कार्य किया गया। मिल्लत कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्ला के द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया, रैली को प्रिंसिपल ने झंडा दिखाकर विदा किया। जयनगर रेलवे स्टेशन के पास स्वर्ण संगम मोबाइल की दुकान में चोरी हो गई, जिसमें वीवो, ओप्पो, लावा, सैमसंग, एलजी एवं अन्य कंपनियों के मोबाइल थे। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस चोरों की छानबीन कर रही है। खोल के चोरी हुआ है मोबाइल। कौन नाम से आपका दुकान? स्वर संगम, दुकान का नाम स्वर संगम है, स्टेशन बिकलाते हैं, प्रोपराइटर सुधांशु कुमार हम हैं, दुकान के मालिक। लगभग कितना का चोरी हुआ? ये अप्रोक्स आपको 70-20 आसपास भी होता और मोटा मोटी 110-120 के आसपास माल चोरी हुआ। पुलिस आई है? पुलिस आई हुई है, छानबीन चल रही है। त्योहार और चुनाव को देखते हुए SSP बाबूराम ने दरभंगा के संवेदनशील जगहों पर होते हुए फ्लैग मार्च निकाला। देखिए, हमारे पास काफ़ी सारा 200 की संख्या में बल आया है बाहर से, तो इनको हम लोग शहर से जानकारी इनको शहर की करवा रहे हैं, विभिन्न रास्तों की और कौन से संवेदनशील स्थल हैं। आने वाले टाइम में छठ और रामनवमी का त्यौहार है, उसके बाद चुनाव है, तो इसी क्रम में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। कहाँ तो ये होगा मार्च पर? अभी हम लोग जाएंगे दरभंगा टावर चौक तक और उधर से फिर दूसरे रूट से घूमते वापस आएंगे, और ये फ्लैग मार्च हम लगातार कराएंगे। हमारी फोर्स को भी प्रैक्टिस होती है और साथ ही साथ असामाजिक तत्वों को भी एक खड़ा संदेश जाता है कि पुलिस पूरी तरह से चौकस है और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, कहीं किसी तरह का अगर किसी ने कानून तोड़ने की कोशिश की तो उसको बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। मुस्कान सिंगार एवं गिफ्ट कॉर्नर ब्यूटी पार्लर, यहाँ ब्यूटी पार्लर संबंधित सभी कार्य, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, ब्राइडल मेकअप एवं शादी विवाह में दुल्हन सजाना, दुल्हन मेहंदी का कार्य किया जाता है। साथ ही यहाँ से सभी प्रकार के गिफ्ट, खिलौने, टेडी बियर, कॉस्मेटिक आइटम, झुमका, पायल, फैंसी लहठी, चूड़ी, इयरिंग इत्यादि उचित मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। पूरा पता है गुल्लोबाड़ा नाका नंबर 4 शक्ति धाम मंदिर दरभंगा टावर के निकट। संपर्क करें 9386559234। मारियासो, यहाँ बच्चे पुरुष महिलाओं के लिए स्पार्क, एडिडास, कैंपस, रिलैक्सो, नाइक, पैरागॉन इत्यादि सभी ब्रांड के जूते, चप्पल और सैंडल उपलब्ध हैं। और यहाँ लेडीज फैंसी सैंडल, जेंट्स कैजुअल, लोफर, स्पोर्ट्स, नागरा शूज और जेंट्स और लेडीज की तो उपलब्ध है। हमारे यहाँ मार्केट प्राइस से भी कम दामों में प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ 3000 से अधिक के खरीदारी पर उपहार सुनिश्चित है। एक बार हमारे यहाँ आकर सेवा का मौका जरूर दें। पता है शिवधारा चौक, दरभंगा बाजार समिति के रास्ते। पहला कॉन्टैक्ट नंबर है
9504164412। दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9122864651।